एक साथ इस कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं। यह जहां एक साथ दहेज मुक्त विवाह और बाल विवाह से मुक्ति का एक अभियान है, वहीं साथ ही साथ इस चीज का एहसास कराने का भी अभियान है कि हम लोग समाज में किसी भी कुरीति को नहीं पनपने देंगे। जो समाज के विकास में बाधक हो, जिसके कारण समाज में किसी प्रकार की कोई समस्या खड़ी होती हो, समाज को जोड़ करके इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। और इसके लिए आज सरकार अनेक कार्यक्रम चला रही है। सामूहिक विवाह की योजना उसी श्रृंखला का हिस्सा है, जिसमें माननीय विधायकगण, सांसदगण, ये सभी लोग अपने स्तर पर प्रयास करते हैं और प्रयासों का परिणाम हम सबके सामने आता है कि यहाँ पे अतिथियों के स्वागत के लिए जनप्रतिनिधि खड़ा है, मंत्री खड़ा है, मुख्यमंत्री खड़ा है, अधिकारी खड़े हैं और अतिथि आते हैं, यहाँ पे कार्यक्रमों में भागीदार बनते हैं और वर और वधु के सामूहिक विवाह के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ते हैं। जो भी अतिथि आते हैं वर पक्ष से वधु पक्ष से, उनके लिए भोजन की व्यवस्था भी है, वर और वधु के लिए उपहार की व्यवस्था भी है और फिर एक सर्टिफिकेट भी उन्हें प्रशासन के द्वारा प्रदान किया जाता है, जो उनके सामूहिक विवाह के साथ जुड़ने के कार्यक्रम के साथ एक प्रमाण भी उनके लिए उपलब्ध होता है। भाइयों बहनों, यह एक दुर्लभ क्षण है कि इन कार्यक्रमों के साथ आप सबको जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। आज केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार, बेटी के लिए और महिला सुरक्षा के लिए पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक अभियान चलाया, मातृवंदना की योजना चलाई, अनेक ऐसे कार्यक्रम चलाए जो बेटी को सुरक्षित भी कर सकती हो और आगे बढ़ने के लिए भी प्रेरित कर सकती हो। और अभी तो एक नया विधेयक भी पारित हो गया है, और विधेयक पारित होने का मतलब जिसमें संसद में और विधानसभा में आने वाले समय में जैसे पंचायत और स्थानीय निकाय में महिलाओं को 33% आरक्षण की व्यवस्था है, ऐसे ही आरक्षण की सुविधा का लाभ महिलाओं को संसद और विधानसभा के चुनाव में भी प्राप्त होगा आने वाले समय में। इसका विधेयक भी अब संसद से पारित होकर के परिसीमन की इंतजार कर रहा है। परिसीमन होने के बाद हर एक जगह इस प्रकार की सुविधा प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। एक तरफ महिला सशक्तिकरण की तरफ की ओर किया यह कार्यक्रम और दूसरी तरफ प्रदेश सरकार ने इसी से प्रेरित होकर के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के इस कार्यक्रम को और मजबूती के साथ लागू करने के लिए हम लोगों ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना को भी प्रदेश के अंदर लागू किया है। बेटी जन्म लेगी सरकार पैसा देगी, बेटी एक वर्ष की होगी सभी प्रकार के टीकों से आच्छादित होगी सरकार पैसा देगी, बेटी पहली क्लास में जाएगी सरकार पैसा देगी, बेटी छठी क्लास में जाएगी सरकार पैसा देगी, बेटी नौवीं क्लास में जाएगी तो सरकार पैसा देगी, और इसके उपरांत बेटी आगे की पढ़ाई करती है कोई सर्टिफिकेट कोई डिप्लोमा का कोर्स करती है तो भी पैसा देगी। सरकार ने सभी कार्य के लिए अब तक 17 लाख बेटियों को अपनी योजना से जोड़ा है और योजना के साथ जोड़ते हुए सरकार ने सुनिश्चित किया है कि अभी तक हम इस पूरे व्यवस्था में 15,000 रुपए का एक पैकेज प्रत्येक बेटी को उपलब्ध करवा रहे थे। और भाइयों बहनों, हमारा आगे सरकार ने तय किया है नए सत्र में नए वित्तीय वर्ष में हम इस राशि को बढ़ाकर के 25,000 रुपए हर बेटी के लिए उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। और यही नहीं, पढ़ाई भी फ्री, बेटी के खर्चे के लिए भी राशि उसके पास उपलब्ध हो रही है, और बेटी के साथ जब उस विवाह के योग्य होगी तो दहेज मुक्त विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना भी आपके सामने स्थापित होगी।
ये सभी कार्यक्रम एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं और उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए आज हम सब आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुए हैं। ये सभी महिला सशक्तिकरण की दिशा में किए जाने वाले प्रयास हैं, चाहे वह हर गरीब को उज्ज्वला योजना का रसोई गैस के सिलेंडर देने का हो, 1,75,00,000 लोगों को अकेले उत्तर प्रदेश में सुविधा का लाभ मिला है और देश के अंदर 9,60,00,000 लोग इस योजना का लाभ प्राप्त किए हैं। इस समय हम लोगों ने एक और व्यवस्था बनाई है कि हम लोग होली और दीपावली के अवसर पर एक एक सिलेंडर फ्री में इन सभी परिवारों को उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे और होली वाला सिलेंडर उस वर्तमान में मिल भी रहा है। दीपावली वाला सिलेंडर मिल रहा है, होली वाला इसके बाद यह सिलेंडर भी उपलब्ध होगा। ऐसे ही हर गरीब को मकान मिल जाना, हर गरीब के घर में शौचालय बन जाना, 5,00,000 की आयुष्मान भारत की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिल जाना, ये सभी न केवल गरीबी से उभारने के लिए बल्कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों का ही हिस्सा है। आज के इस अवसर पर जब मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में बाबा गोरखनाथ की इस पावन धरा पर हम 1,500 जोड़ों को सामूहिक विवाह योजना के माध्यम के साथ वैवाहिक बंधन के इस पवित्र कार्यक्रम के साथ यहाँ पे इस आयोजन के साथ जुड़ते हुए देख रहे हैं, यह हम सबके लिए आनंद का क्षण है। इस अवसर पर सभी पक्षों को मैं अपनी ओर से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ और विश्वास व्यक्त करता हूँ कि आप सभी लोग शासन की योजना से लाभान्वित होते हुए न केवल स्वयं के लिए बल्कि अपने परिवार के लिए, अपने गांव के लिए, समाज के लिए और अंततः देश की समृद्धि के लिए अपना योगदान देंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद।